असल डर स्टूडेंट्स होप यू आर ऑल फाइन इन द प्रीवियस लेक्चर वी डिड द मैथड्स कलेक्शन ऑफ देर यू सा वी हैव टू टाइप्स ऑफ ऑफ और टू डाटा कलेक्टिंग दैट इज देंथड एंड द दम्पलिंग मैथड मैथड हमने डिस्कस किया और साम्पलिंग मैथड भी हमने डिस्कस किया और आप जानते हैं कि साम्पलिंग में क्या होता है हम कंसिडर नहीं करते हैं ईच एंड एवरी यूनिट ऑफ पॉपुलेशन

वट आर दो विद द हेल्प ऑफ विच वी चूज अ सिंपल फ्राम द गि पॉपुलेशन देखिए नीचे जो मैथड्स दिए गए हैं दीज आर द प्रिपल मैथड्स आर टेक्नीस ऑफ सैम्पलिंग यू हैव सिंपल रैंडम सैम्पलिंग प्रपज सैम्पलिंग स्टेटिफाइड रैंडम सेटिक रैंडम सेटा सैम्पलिंग एंड कन्वीनियंस सम्प्लिंग सो दर सिक्स टेक्निक्स वी हैव टू डिस्कस ठीक है ना देखिए यहां हम रैंडम लिखते हैं रैंडम का मतलब नहीं है कि वी आर चूजिंग अम्पल है सैम्पल वी चूज फ्रॉम द डेटा इज लाइक ट ईच एंड एवरी चांस ऑफ बींग इंक्लूडेड इन दल हम किसी को चूज नहीं करते दिय आर प्रॉपर मैथड्स बट द नेचर इज दैट नेचर ऑफ द सम्पल इज दैट इट इज चूज रेंडमली इट्स नॉट गिवन एनी प्रेफरेंस कोई खास करेक्टर देख के हम सपल को चूज नहीं करते हैं बल्कि गिवन पॉपुलेशन से हम एक यूनिट चूज़ करते हैं साइंटिफिकली चूज करते हैं मेथड एडॉप्ट होता है और वो मेथड क्या होता है इन दिए गए मेथड्स में कोई भी हो सकता है ठीक है ना तो so, रैंडम का मतलब ये है कि इच इट हैज एन इक्वल चांस ऑफ बीइंग इंक्लूडेड इन द दम्पल अदरवाइज ये मैनर नहीं है ठीक है ना सो वी हैव सिक्स मेथड्स टू डिस्कस देखिए जो रैंडम सैम्पलिंग है इट्स आ ये सभी रैंडम सैम्पलिंग है इसका जो प्रिंसिपल मेरिट है इज दैट ईच आइटम ऑफ द यूनिवर्स आर द पॉपुलेशन हैज इक्वल चांस आर इक्वल प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग सिलेक्टेड ठीक और सैंपल के लिए जरूरी होना चाहिए अ गुड सैंपल इज दैट विच रिप्रेजेंट्स द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एंटायर यूनिवर्स आर पॉपुलेशन एंड

कौन सा मेथड हमने चूज करना है इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द सैंपल रिक्वायर्ड एंड फॉर दैट अ सैंपल मस्ट बी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द डेटा एंड इट मस्ट बी इंडिपेंडेंट ऑल यूनिट्स ऑफ सैंपल मस्ट बी इंडिपेंडेंट ऑफ अदर्स इन अदर वर्ड्स इंक्लूजन ऑफ वन आइटम इन द सेम इन द सैंपल शुड नॉट डिपेंड अपॉन द इंक्लूजन ऑफ सम अदर आइटम्स ऑफ द यूनिवर्स एंड देयर शुड बी होमोजेनिटी If more than one sample are selected from the population, these samples should be homogeneous. Contradictory, heterogeneous, homogeneous. And every sample must possess adequacy. Advocacy means that some reliable conclusions are drawn covering the characteristics of the population as a whole. ये खूबियां हमारे सिंपल की होनी चाहिए और इन बुनियादों पे हम साम्पल चूज करते हैं ठीक है ना सो न अस फर्स्ट डिस्कस द सिंपल रैंडम सैंपलिंग सिंपल रैंडम सैपलिंग देखिए इसे हम रैंडम सैपलिंग भी कहते हैं इज दैट मेथड ऑफ सैपलिंग इन विच ईच एंड एवरी आइटम ईच एंड एवरी आइटम ऑफ द यूनिवर्स हैज एन इक्वल चांस हर एक आइटम के लिए इक्वल चांस होता है फॉर बींग इंक्लूडेड इन द सपल इट इज दैट मैथड ऑफ सैम्पलिंग इन विच ई द यूनिवर्स हैज़ एन इक्वल चांस ऑफ बींग सिलेक्टेड इन द सपल इन अदर वर्ड्स हम कह सकते हैं दीर इज इक्वल प्रबेबिलिटी इक्वल प्रबेबिलिटी फॉर एवरी आइटम of the universe to be selected as sample. For example, if in our population there are k units or k items. So, in simple random sampling what that Every item has an equal chance of being included in the sample that is the probability is 1 is to k. Na? Which of the वेरियस आइटम्स ऑफ द पापुलेशन वुड गेट सेलेक्टेड इन दम्पल इज बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ इन्वेस्टिगेटर ये इन्वेस्टिगेटर के इख्तियार में नहीं है कि कौन सा आइटम आएगा क्यों द सेलेक्शन इज लेफ्ट एंटायरली टू द चानस फैक्टर्स यहाँ चांस है प्रबेबलिटी है और ये मैथड तब हम इस्तेमाल करते हैं जब हमारी जो यूनिवर्स हो पापुलेशन हो इसके आइटम्स होमोजीनियस हो आइडेंटिकल हों एक जैसे हों और ये जो मैथड है इसे इम्पार्शल माना जाता है इकोनॉमिकल माना जाता है रैंडम सैम्पलिंग को तो इसके लिए हमारे पास दो पॉपुलर मेथड्स हैं एक को हम कहते हैं लॉटरी मेथड। लॉटरी मेथड इज द सिंपल रैंडम सैम्पलिंग एंड वी हैव टेबल्स ऑफ रैंडम नंबर्स रैंडम नंबर टेबल्स का इस्तेमाल करते हैं रैंडम नंबर टेबल्स भी हम सैंपल कलेक्शन के लिए इस्तेमाल करते हैं ये जो लॉटरी मेथड है ये वेरी बहुत ही पॉपुलर है इन दिस मेथड हम क्या करते हैं पेपर स्लिप्स आर मेड ऑफ इक्वल साइज इक्वल सेम कलर हम स्लिप्स लेते हैं एक ही कलर के एक ही साइज़ के और हर आइटम के लिए एक एक स्लिप बनाते हैं फिर इन इनकी हम शफलिंग करते हैं इनको एक बॉक्स में डालते हैं फिर हम इम्पारशली कितने आइटम्स हमें ज़रूरत हो कितने यूनिट ज़रूरत हो इतनी सिलेबस उठाते जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आज कल खुजाज के लिए लॉटरी मेथड का इस्तेमाल होता है फार्म लाखों में होते हैं हज़ारों में होते हैं लेकिन हमें जो रिक्वायरमेंट होती है इन हंड्रेड हज़ार थाउजेंडस होते हैं मान लें एक लाख फार्म हज के लिए आए हैं इनमें से हमने तीन हज़ार चूज़ कर ले तो भी हम लॉटरी मेथड का इस्तेमाल करते हैं ठीक है ना आप इसके बारे में अवेयर हैं खुजाज के, के लिए लॉटरी मेथड का इस्तेमाल होता है फिर जब इनकी ये स्लिप्स हर एक का नाम होता है या नंबर होता है या आईडी होती है ठीक है ना इन स्लिप्स को मिक्स किया जाता है एक ही कलर के होते हैं एक ही साइज़ के होते हैं कोई निशान वगैरह नहीं रखा जाता है फिर इन स्लिप्स में से एक सिलिप जितनी हमें रिकॉर्ड हो इतनी हम लेते हैं और वो जो वो जो आइटम्स हम चूज़ करते हैं रेंडमली चूज़ करते हैं एंड दो आइटम्स कॉन्स्टिट्यूट आवर

random number table here tippet's table the most widely used can the stable make yahwatha using 41600 figures tippet has involved 10400 numbers comprising of four units each for the use of methods all items of the universe are first arranged in an order then using tippet's

these techniques in your books. Thank you very much.